हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं प्रिया आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इट्स प्रिया में स्वागत करती हूँ। और मैं आज नहाने धोने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि मन आज कर रहा था थोड़ा सा सो जाने के लिए। और अभी मैं जगी तो फिर थोड़ा सा मुंह को अपने पानी से केवल धो ली और अभी टॉवल से पोंछ कर अभी थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। स्टार्ट की आफ्टरनून से, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था आज ब्लॉग बनाने का और मैं सो गई थी नहाने धोने के बाद। तो अभी उठी, थोड़ा सा फेस वगैरह धोई तो मन में एक ताजगी आ गया। आजकल मैं 4 बजे ही उठती हूँ वर्कआउट के लिए, तो मुझे नींद आने लगता है, तो मैं सो गई थी। आज सो के अभी उठी तो मन पूरा फ्रेश हो गया, तो मैं सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपना आफ्टरनून से, नहीं तो आज मैं सोची थी कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और मेरा बेड भी वैसे ही है, मैं रजाई वजाई ओढ़ के पूरा सोई थी। अभी तो पहले चलती हूँ किचन में चावल बनाने के लिए, उसके बाद आकर रजाई वगैरह ठीक करूंगी, बेड ठीक करूंगी। बहुत दिन बाद आज ये वाला साड़ी पहनी थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था ये साड़ी पहनने के लिए। साड़ी नीचे रख गया था तो मैं भूल जाती थी और ऊपर वाला साड़ी पहन लेती थी। तो इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो चलिए किचन में चलते हैं, पहले चावल बना लेते हैं, नहीं तो मयंक आएगा तो हल्ला मचा देगा। तो किचन में चावल बना के आती हूँ और फिर बेड ठीक करूंगी। और आज मैं सोकर अभी उठी हूँ तो पूरा फ्रेश हो गई हूँ और फुल एनर्जी में हूँ, इसीलिए आप लोग से बात कर रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। और चलिए अब किचन में चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। और देखिए फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पर दाल निकाल लूँगी कटोरा में, और फिर कुकर को केवल पानी से इस समय मैं धोती हूँ, तो धोकर उसमें चावल अभी रख दूँगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। एक तरफ चावल रख दी और दूसरे तरफ अभी पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैं अभी अपना ड्रिंक बनाऊंगी जो खाना खाने के बाद पीती हूँ, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ दोपहर में। और मैं आजकल चावल नहीं खा रही हूँ, मैं कुछ और ही खा रही अपने डाइट के अनुसार। तो मैं खाना खा ली थी और आधा घंटा हो गया खाना खाए हुए, तो मैं अपना अभी ड्रिंक बना लूंगी, क्योंकि आधा घंटा बाद ड्रिंक पीना है खाना खाने के बाद। क्या हुआ, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं चावल रख के किचन में ही क्यों खड़ी हूँ, दूसरा कोई काम भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, पाउडर डालकर ड्रिंक बना ली, चलिए बेडरूम में। देखिए बेड किस तरह से मेरा फैला हुआ है, क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे नींद आ रहा था तो मैं सो गई थी। तो अभी इसको फटाफट ठीक कर लेना मेरा काम है, नहीं तो अभी मयंक आ जाएगा तो कोई और काम कर नहीं सकती। और आज आप लोग कहेंगे कि मैं अलग ही अंदाज में हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई, मेरा दिमाग खसक तो नहीं गया है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं फुल एंजॉय करने के मूड में हूँ और मन भी फ्रेश लग रहा है और मेरा बेड ठीक हो गया।
तो अभी मयंक की अनवारी ठीक कर दूंगी, क्योंकि मैं कुछ भी काम नहीं की थी। ये सब बेड तो ठीक कर ली थी, लेकिन सोई थी तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था और रजाई फैला हुआ था। लेकिन मयंक अनवारी मैं नहीं ठीक की थी, मैं सीधे सो गई थी नहा धोआ कर नाश्ता करने के बाद। और अभी ये सब काम हो गया तो मैं अभी जो ड्रिंक लाई थी उसको ड्रेसिंग टेबल पर रख दी थी, तो अभी मैं इसको अब पी लूंगी, उसके बाद फिर दूसरा कोई काम करूंगी। और मयंक का कपड़ा भी निकाल दी। बात करने के चक्कर में मेरा ड्रिंक का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, और अभी इसको अब क्या करें बताइए, मुझे जल्दी से पीना भी है। तो अभी तो अब पी रहे तो जीभ भी जल रहा है, इतना गर्म हो गया था पानी, इसी में ड्रिंक बनाई हूँ, अब पीना तो पड़ेगा। अभी इसको सोच रहे थोड़ी देर रख देती हूँ, उधर चावल भी हो गया है, तो जाके गैस बंद करके आती हूँ, फिर इसको पीती हूँ। और मयंक के कपड़ा ला के निकाल के यहाँ पर रख दी हूँ। तो चलिए पहले चावल बना के आते हैं, फिर इसको एंजॉय करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। आप लोग के चक्कर में देखिए हमारा क्या क्या होता है नुकसान, कभी पानी गर्म हो जाता है, कभी कुछ नुकसान होता है। और आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मेरा चावल बन गया, अभी गैस बंद कर देंगे। और पीना तो है ही, तो अब इसको मैं आराम से बैठकर पी लेती हूँ। अभी भी गर्म है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पी लेती हूँ मैं, फिर मैं पी लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गर्म है तो मुझे थोड़ा रुक रुक कर पीना पड़ेगा। तो आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। और हाँ, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, ब्लॉग पूरा देखिएगा। आज मैं फुल मस्ती में, फुल एनर्जी के साथ हूँ, इसलिए ब्लॉग पूरा देखिएगा। बैग लेके आ जाओ, देखिए मेरा खत्म भी नहीं हुआ, मयंक आ गया, क्योंकि आज बहुत गर्म ज्यादा था पानी। मयंक बैग लेके आओ, क्या हुआ? ठीक है, तो मैं आ रही हूँ, उसको देख के गेट पर से ही चिल्ला रहा है। और मयंक घर आता है तो मैं बताए ना, ना तो कुछ काम करने देता है, ना किसी से बात करने देता है, ना वीडियो में बात करने देता है। और देखिए फिर मैं उसको बोली कि हाथ पैर धोकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे बैग से टिफिन वगैरह निकाल लेती हूँ। वही वो गया हाथ पैर धोने, और मैं यहाँ पर बैग से टिफिन निकाल ली और बैग को रख दिया अनमीरा पर, और जा रही हूँ ये सबको किचन में रख दूंगी। देखिए आ गया मयंक कुमार। मयंक आर्यन, मेरा नाम है मयंक आर्यन, मयंक कुमार बोल रही है। अरे दो दो सर पहन के जाता है इसको अंदर में, एक हाथ पर रुको, उस हाथ का बटन नहीं खोले है, सॉरी खोलने का क्या है। एक ठंडा में पहन के जाता है बोला, नहीं बता रहे हैं। प्रेस कर दी हूँ तो बोकल पहन के जाएगा। और जा रही हूँ अभी इसको खाना खिलाने, और बड़ा लड़का को भी खाना दे दूंगी, तो मैं इसको खाना खिला लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसका थोड़ा सा ट्यूशन का होमवर्क भी है, तो अभी खाना खा लेगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा वही ट्यूशन का होमवर्क करवाऊंगी, तब तक फिर मेरे एक्सरसाइज क्लब जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि 3 हो रहा है, इसको आते आते 2:45 स्कूल से हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से इसको खाना खिला देती हूँ। चलो मयंक खाना खाने। खाना पीना हो गया मयंक का, और मुंह धोया था तो अभी इसका साफ कर देती हूँ, पोछ देती हूँ, क्योंकि उस समय आया था धोया था तो अच्छा से धोया नहीं था, और बाल ये सब भी बिखरा के आता है स्कूल से आता है, तो उस समय तो जल्दी जल्दी रहता है, क्योंकि 2:45 हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ पहले खाना खिला देती हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। अब अभी बाल झाड़ देती हूँ और इसका होमवर्क करवाऊंगी अभी थोड़ा सा। चलो होमवर्क करो ठीक से। क्या होमवर्क? पेंसिल लिया? अब ठंडा में ही जैकेट पहन लेता, ऐसी पहन लो चैन बिना खुला हुआ।
पेंसिल बॉक्स लेगा तो बनाना है कुछ मैथ बनाना है तो बनाओ तुम अभी नहीं तो टेबल देने बिल्कुल नहीं इसको टेबल पर बैठ के नहीं बनाना रहता ऐसे ही बनाएगा इधर कॉपी रखा है लेके और मयंक कुछ अनवारी पर से लेता है तो वो तो गिरा पर आकर ही लेगा के खाना पीना खाने के बाद मैं गैस स्लेब साफ कर दी टेबल भी साफ कर दी और सोफा वगैरह के कवर सब ठीक ठाक कर दी अभी इसको थोड़ी देर होमवर्क करवा लेती हूँ उसके बाद फिर इसका जब होमवर्क हो जाएगा ट्यूशन का क्योंकि रात में नहीं कर पाया था रात में स्कूल का किया और ट्यूशन का थोड़ा सा किया तो थोड़ा रह गया था तो मैं बोली अभी कर लो बैठ के कर लेगा उसके बाद टीवी देखने जाएगा और फिर अपना मैं चली जाऊंगी टीवी देखेगा 10-15 मिनट क्योंकि 4 बजे तक अभी सर आ जाते हैं ठंडा का मौसम है तो शाम जल्दी हो जाता है 4 बजे तक सर आ जाते हैं तो अभी ये कर लेगा अभी 3 से तो ज्यादा बज गया है टाइम 3:30 होने वाला और मैं भी अब चलने की तैयारी करती हूँ क्योंकि 4:45 में घर से निकल जाती हूँ 15 मिनट वहां पहुंचने में लग 4 बजे से हम लोग का क्लास शुरू हो जाता है तो फिर चलिए मैं अभी इस ब्लॉग को ज्यादा कंटिन्यू नहीं करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर क्योंकि अभी जो भी 10-15 मिनट टाइम है इसको पढ़ा लेती हूँ अभी और फिर कपड़ा भी चेंज करूंगी तो उसी में लग जाएगा तो मैं अब ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूंगी और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय टेक केयर खुश रहिए खुशियां बांटिए मयंक बाय कर दो बहुत दिन बाद बाय कर रहा है मयंक।